माहे में नाबालिग बच्चे को बेरहमी से पिटाई करने वाले पिता पुत्र को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। बिहार के समस्तीपुर जिले के सिंगिया थाना क्षेत्र के माहे ग्राम में एक नाबालिग बच्चे को दबंग पिता पुत्र के द्वारा मवेशी की तरह बेरहमी से मारपीट किए जाने के वायरल वीडियो के मामले में मारपीट करने वाले मोती साहु और उसके पुत्र अमरजीत साहु को सिंगिया पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है, जिसकी पुष्टि समस्तीपुर के एसपी विनय तिवारी ने किया है। जानकारी हम लोगों को कल शाम में मिली थी कि सिंगिया थाना क्षेत्र का ही एक वीडियो वायरल हो रहा था, जिसमें एक बच्चे को कुछ लोगों के द्वारा रस्सी से बांध करके और पानी जैसा कुछ छिड़काव किया जा रहा था और मारपीट की जा रही थी। लाठी डंडे से कुछ लग रहा था कि मारपीट कर रहा है। वीडियो सोशल मीडिया सेल को हम लोगों की प्राप्त हुआ था और मीडिया सेल ने उस वीडियो को SHO सिंगिया और SDPO रसड़ा को भेजा था और इन लोगों ने उसका तुरंत आइडेंटिफाई किया, वीडियो को सत्यापन किया तो क्लियर हुआ कि ये सिंगिया थाना क्षेत्र का ही है, माहे गांव है वहाँ पर, उस गांव का है। और उसमें दो व्यक्ति जो हैं ये आपस में कुछ विवाद हुआ था, प्राथमिक दृष्टा जब पता चला तो मारपीट कर रहे हैं उसके साथ। तो तुरंत FIR दर्ज की गई और FIR करने के बाद रात में उसकी गिरफ्तारी के लिए भी टीम भेजी गई। अब उसकी गिरफ्तारी हो चुकी है। ये पूरा मामला ये था कि 14 वर्ष का ही बच्चा है, इसने मोती साह और अमरदीप साहू इनके घर से एक बिस्किट चोरी किया था। इनका एक झोपड़ी नुमा घर था, कटघरे नुमा घर है, उस झोपड़ी से इन्होंने एक बिस्किट चोरी किया था इस बच्चे ने। तो उस बच्चे को बिस्किट चोरी करने का जो चोरी किया गया था उसको देखते हुए इन लोगों के द्वारा पकड़ा गया उस बच्चे को, फिर रस्सी से बांध करके और पानी मशीन से पानी डालते हुए काफ़ी समय तक इसके साथ मारपीट की गई। दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है जो इसमें मारपीट कर रहे थे। इसमें कई लोग तमाशबीन भी बने रहे, ये भी बड़े दुख की बात थी। हम लोग देख रहे थे वीडियो में, कई लोग देख रहे हैं घटना को लेकिन कोई विरोध दर्ज नहीं कर रहे थे। लेकिन जो घटना कर रहे थे मोती साहू और अमरदीप साहू, इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया। पिता पुत्र ही आपस में दोनों जो अभियुक्त हैं और ये एक 14 वर्ष के बच्चे के साथ मारपीट कर रहे थे और पूरा विवाद सिर्फ एक बिस्कुट चोरी करने को लेकर के। ये बात सही है कि लड़के ने बिस्कुट चोरी किया था, इसका भी पुलिस ने सत्यापन किया है, लेकिन यदि किया था तो इन लोगों को थाना में आवेदन देना चाहिए था और फिर जो विधि सम्मत कार्रवाई चोरी के लिए होती वो होती। लेकिन इनके द्वारा कानून को अपने हाथ में लेते हुए और उस बच्चे के साथ मारपीट की गई, इसलिए इन दोनों के खिलाफ FIR दर्ज की गई है और इनको आज जेल भेजा गया है।